हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ रुखसार और आप देख रहे हैं रुखसार व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें ताकि आपको मेरी इस वीडियो से फायदा मिल सके। आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत बेस्ट विंटर के लिए एक टोनर लेके आई हूँ, जिसे यूज करके आप अपनी स्किन को व्हाइट कर सकते हैं, अपनी स्किन को हाइड्रेट कर सकते हैं, अपनी स्किन पर को मॉइस्चराइज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो रही है तो वो भी इससे बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज होगी, व्हाइट होगी और आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से रिपेयर करेगा। और विंटर में इतना स्पेशल ये अच्छा टोनर है जिसे मैं खुद यूज करती हूँ, जिसे यूज करके आप अपनी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग बना सकते हैं। तो बहुत ही नेचुरल तरीके से मैं ये आज टोनर बनाऊंगी। दो इंग्रेडिएंट्स हम इसमें यूज करेंगे और बहुत अच्छा एक टोनर बनाएंगे। जैसे कि आजकल विंटर है, विंटर में हम अपना जैसे ही फेस वॉश करते हैं तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। ड्राइनेस की वजह से हमारी स्किन पर बहुत ज्यादा रिंकल्स, फाइन लाइन्स आना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो हम अपनी स्किन की ड्राइनेस को खत्म करेंगे। तो ड्राइनेस के लिए मैं बना रही हूँ एक आज बेस्ट टोनर, जिसे मैं खुद यूज करती हूँ और आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप इसे विंटर में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे चाहिए ये रोज वाटर। रोज वाटर लूंगी, 4 टेबलस्पून मैं रोज वाटर के लूंगी। इस तरह से आपके पास अगर कोई भी है खाली बोतल तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं ये स्प्रे वाली खाली रोज वाटर की है मेरे पास बोतल, तो मैं इसका यूज करूंगी। तो सबसे पहले 4 टेबलस्पून मैं डालूंगी इसमें रोज वाटर के, ये तकरीबन इतने, ये देखें। तो आप ज्यादा भी बना सकते हैं, तो मैं इतना बनाकर आपको दिखा रही हूं। तो ये दूसरा इंग्रेडिएंट मुझे चाहिए ग्लिसरीन। तो 2 टेबलस्पून मैं लूंगी ग्लिसरीन के, ये इसमें इस तरह से। अब हम इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये मेरा टोनर तैयार हो गया है इस तरह से, ग्लिसरीन और रोज वाटर। 4 टेबलस्पून में मैंने लिए हैं रोज वाटर के और 2 टेबलस्पून लिए हैं ग्लिसरीन के। तो इस तरह से आप इसका यूज करेंगे, ये इस तरह से आपने सुबह अपना फेस वॉश करना है। फेस वॉश करने के बाद आपने ये टोनर अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है इस तरह से, ये देखें। ये अगर आपके पास स्प्रे वाली बोतल है तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, वरना आप इसे किसी भी कंटेनर में डालकर रख लें और इस तरह से आप इस तरह से हाथ में लेकर इस तरह से और आप इस तरह टोनर की तरह आप इसको अपने फेस पर इस तरह से अप्लाई करें। इस तरह से हाथों पर और पाँव पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ये देखें इतना अच्छा आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। ये आपकी स्किन को एक तो वाइट करेगा, दूसरा आपकी स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चराइज करेगा और आपकी स्किन से ड्राइनेस को ख़त्म करेगा और आपके हाथ पाँव के लिए बहुत अच्छा है ये ग्लिसरीन और रोज वाटर। आप इसका इसको इस तरह से टोनर बना कर रख लें, इस तरह से आप अपने फेस पर अप्लाई करें और अपने हाथों पर और पाँव पर भी इसका यूज करें। तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत, एक तो आपकी स्किन सॉफ्ट बहुत होगी इसके यूज करने के बाद, दूसरा आपकी स्किन पर बहुत अच्छा एक ग्लो आएगा और आपकी स्किन बहुत अच्छा मॉइस्चराइज करेगी। बिल्कुल भी आपकी स्किन पर ड्राइनेस नहीं होगी और बहुत अच्छा आपका स्किन, आपकी स्किन ग्लो करना शुरू कर देगी। तो जिस तरह से आप इसका यूज करेंगे, आप अपने फेस वॉश करने के बाद आप इसका अप्लाई, इसको जब जितनी देर जितनी बार भी आप दिन में अपना फेस वॉश करें तो उसके बाद आप अपना ये टोनर आप अपने फेस पर इसे अप्लाई करें और आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।